नेक्स्ट ईयर आने वाली सुपरमैन मूवी के सेट से लेटेस्ट जो इमेजेस लीक हुई हैं उनमें से एक में ये ब्लैक सूट वाला बंदा सुपरमैन को हथकड़ी पहनाकर उसे अरेस्ट करके ले जा रहा है, और साथ में कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं और मिलिट्री भी है, और मे बी इस सुपरमैन मूवी में एक इविल सुपरमैन भी होने वाला है जिसे हम शायद पहली बार बिग स्क्रीन पर किसी मेन स्ट्रीम डीसी मूवी में देखेंगे। और वीडियो के एंड में आपको सुपरमैन लेगेसी के सेट से लीक हुई कुछ लेटेस्ट बहुत तगड़ी फोटोज दिखाऊंगा, सो बने रहिएगा मेरे साथ। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु, एंड सबसे पहले तो बात कर लें कि इस फोटो में सुपरमैन के साथ और कौन कौन है। इस ब्लैक सूट वाले बंदे पर भी आता हूं, ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो सबसे पहले तो ये है रिक फ्लैग सीनियर, रिक फ्लैग जूनियर का फादर है ये। विच रिक फ्लैग? जिसे पीसमेकर ने सुसाइड स्क्वाड 2 में उड़ा दिया था। वैसे इस एक्टर को हम बहुत सारी मार्वल मूवीज में भी देख चुके हैं, और हर मूवी में ये किसी किसी सुपर हीरो के उंगली ही कर रहा होता है और बाद में पेला भी जाता है, और आई एम क्वाइट श्योर कि ये सुपरमैन लेगेसी में भी पेला ही जाएगा। आफ्टर दैट ये बंदी ब्लैक सूट में शी इज द इंजीनियर, जो कि द अथॉरिटी नाम के ग्रुप की मेंबर है। अब अथॉरिटी कौन है? दोस्तों द अथॉरिटी एक ऐसा ग्रुप है जिसे कई सारे एंटी हीरोज ने मिलकर बनाया है। इसके बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी पावर हमारे मेन डीसी हीरोज से काफी मिलती है। फॉर एग्जांपल द मिडनाइटर, ये भी अथॉरिटी का मेंबर है और ये बैटमैन की बिल्कुल कॉपी है। एक तरह से इसे बैटमैन का इविल वर्जन कह सकते हो आप। तो ये बंदी द इंजीनियर, ये भी इसी अथॉरिटी नाम के ग्रुप का हिस्सा है। और ये जो ब्लैक सूट वाला बंदा है, ये वैसे तो देखने में द बॉयज के ब्लैक नुआर जैसा है। नुआर तो वैसे भी होमलैंडर से कांपता है, तो सुपरमैन को क्या ही अरेस्ट करेगा। बट स्टिल इफ ये बंदा सुपरमैन को खुलेआम ऐसे हथकड़ी लगा रहा है एंड सुपरमैन इज नॉट रिएक्टिंग टू इट, दैट मीन्स दिस गाय इज क्लियरली वे टू पावरफुल। लेकिन एक हिंट जो हमें इस कैरेक्टर की मिलती है कि ये कौन है, तो इसकी चेस्ट पर आप देखोगे तो वहां एक यू शेप का सिंबल बना हुआ है, यानी ये दो में से एक ही हो सकता है। या तो ये नील क्वीन है जो कि मिलिट्री के साथ काम करता है और सुपरमैन को हमेशा से रोकना चाहता था, हमेशा से सुपरमैन के अगेंस्ट था, या फिर ये अल्ट्रामैन भी हो सकता है जो कि सुपरमैन का एक ईविल वर्जन है, और ये आता है एक दूसरी अर्थ से, यानी अर्थ 3। अब इस पिक में आसपास मिलिट्री भी है, सो ये ब्लैक सूट वाला बंदा इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। बट इसी चीज को मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि रीसेंट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सुपरमैन लेगेसी को लेकर, वो ये कहती हैं कि इस मूवी में सुपरमैन के दो वर्जन होंगे, एक नहीं दो, एक तो अच्छा वाला और सुपरमैन का एक ईविल वर्जन। लेकिन जेम्स गन ने ये बोला है कि सुपरमैन लेगेसी, क्योंकि डीसी यूनिवर्स के रिबूट होने के बाद पहली मेन स्ट्रीम मूवी है, तो ये कोई मल्टीवर्सल मूवी नहीं होगी, ये बहुत बेसिक सी मूवी होगी और इसमें मल्टीवर्स से कोई दूसरा वेरियंट नहीं आएगा, यानी अर्थ 3 से अल्ट्रामैन के आने के चांसेस तो यहां से खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मूवी मेकर्स हमें हमेशा से मिसगाइड करते हैं ताकि मूवी में वो हमें सरप्राइज दे सकें। स्टिल अगर हम ये मान भी लें कि ये अल्ट्रामैन नहीं है, तो भी इस मूवी में मेन विलन तो लेक्स लूथर ही होने वाला है, और ये ब्लैक सूट वाला बंदा और कोई नहीं, लेक्स लूथर का बनाया हुआ सुपरमैन का ईविल क्लोन है जो उसने सुपरमैन के अपने डीएनए को चुरा कर बनाया है दोस्तों। और ये चीज पहली बार नहीं हो रही है, 2007 में आई मूवी सुपरमैन डूम्सडे में भी एग्जैक्टली यही हुआ था। सो उस मूवी में भी लेक्स ने सुपरमैन का डीएनए धोखे से चुरा कर उससे नए इविल सुपरमैन्स बनाए थे और बहुत ही ट्विस्टेड एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे उनके साथ। इस बंदे की हाइट, इसकी फिजिक बिल्कुल सुपरमैन की ही तरह है, और तो और इनके सूट के पैटर्न्स में भी, कलर वगैरह तो डिफरेंट है बट पैटर्न्स काफी सिमिलर लग रहे हैं देखने में। तो ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि इस ब्लैक मास्क के नीचे इसी सुपरमैन का चेहरा हो, बस वो एक क्लोन होगा और इविल होगा। इसके अलावा मेरी एक थ्योरी ये भी है कि लक्स जब इस इविल सुपरमैन क्लोन को बनाएगा, तो पहले तो ये सोसाइटी में इसे एक अच्छे सुपरमैन की तरह पेश करेगा, और जो एक्चुअल में हमारा अच्छा वाला हीरो है, यानी अच्छा वाला सुपरमैन है, उसे किसी तरह से सोसाइटी में मोरली डिग्रेड कर देगा, उसकी इमेज को खराब करेगा, और फिर अपने इविल सुपरमैन को भेजेगा उसे अरेस्ट करने के लिए, जो कि हमें इस सेट की फोटो में देखने को मिला है। और बाद में जब सुपरमैन अरेस्ट हो जाएगा, तो फिर वो इविल सुपरमैन क्लोन जो कि लेक्स लूथर ने बनाया है, वो अपने असली रंग दिखाएगा और फिर हमारा मेन सुपरमैन आकर उसे रोकेगा। दैट माइट बी द स्टोरी। अब ये मेरी थ्योरी है, लेकिन अगर ये थ्योरी सच्चाई में भी तब्दील होती है, तो भी स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स तो होंगे ही होंगे। बेसिकली इस ब्लैक सूट वाले बंदे को आप एक कलुआ होमलैंडर कह सकते हो। अब एक चीज ये भी है कि अपने यहाँ और पूरी दुनिया में जितने भी डीसी फैंस हैं, मेजॉरिटी तो यही कह रही है कि भाई इस नए सुपरमैन का सूट बहुत ही चीप क्वालिटी का है, जैसे ठेले से लिया हो 100 रुपए में। फर्स्ट लुक में देखने में तो ये सूट बहुत ही खराब लग रहा है, बट एक्चुअली मुझे जो लगता है कि इस सूट के मटेरियल या टेक्सचर पर उतना फोकस नहीं होना चाहिए। मेन जो खराबी सूट में है वो है इसके डल कलर्स, इसके कलर्स बहुत ही डल हैं, बिल्कुल भी वाइब्रेंट नहीं है।
या मतलब जरा सा भी कॉन्ट्रास्ट नहीं शो कर रहे हैं, जैसे कि हमारे हेनरी कैविल का सूट था वो मतलब एक नेक्स्ट लेवल सूट लगता था। और हाँ, ये तो अभी एक फर्स्ट लुक है, फाइनल कट में इसमें CGI वगैरह डालकर अभी इसके सूट को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा। इसमें तो लाइक मसल्स वगैरह भी नहीं दिख रही है, बिल्कुल एकदम चपटी बॉडी दिख रही है, उसमें तो मसल्स वगैरह को भी CGI से ऐड करेंगे। बट स्टिल फर्स्ट लुक में यार हेनरी कैविल का जो सूट था वो भी इतना मतलब ख़राब नहीं लगता था जितना ख़राब ये लग रहा है। तो हाँ, फैंस का इस चीज़ पर DC को ट्रोल करना तो बनता है, एक तरह से जायज़ है। एंड आई होप कि फाइनल कट में मतलब सुपरमैन लेगेसी का जो फाइनल कट आएगा, जो मूवी आएगी, उसमें भाई इसे किसी तरह से इंप्रूव कर दें। ये सूट सच में बहुत बकवास है। इसके अलावा गाइस, मूवी में क्रिप्टो द सुपर डॉग के होने की भी खबरें हैं। जैसे अपने मार्वल में डॉगपूल है ना, कुछ वैसे ही क्रिप्टो भी है DC में, अ डॉग विद सुपर पावर्स। इसके अलावा मूवी में और भी बहुत सारे सुपर पावर्ड कैरेक्टर्स होने वाले हैं, लाइक ग्रीन लैंटर्न। ऑल्दो उसकी फोटोज को DC जरा भी लीक नहीं होने दे रहा है। अब मेन जिस चीज से मुझे डर लग रहा है वो तो भाई सुपरमैन का सूट ही है। इसे अगर फाइनल फिनिश में इम्प्रूव ना किया गया तो लोग मूवी और जेम्स गन की ऐसी तैसी कर डालेंगे, क्योंकि एक तो वैसे भी पिछले कुछ सालों से डीसी का कोई अता पता ही नहीं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऊपर से डीसी ने अभी रीबूट के नाम पर हेनरी कैविल जैसे मतलब इतने तगड़े बेस्ट सुपरमैन को फायर भी कर दिया। सो अगर अब आने वाली सुपरमैन मूवी यानी सुपरमैन लेगेसी फेल होती है किसी भी एस्पेक्ट में, तो बहुत ज्यादा चांसेस है भाई डीसी फैंस डीसी को स्पेशली जेम्स गन को नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि स्नाइडर कट जो आया था उसमें एक जो नाइटमेयर वाला सीक्वेंस था जिसमें एक इविल सुपरमैन था जो कि बाकी के हीरोज के पीछे पड़ा हुआ था और डार्क साइड के लिए काम करने लगा था, जिसमें बैटमैन और जोकर एक साथ काम कर रहे थे, भाई वो एक्चुअल में मतलब अपने मार्वल के जो एंड गेम मूवीज वगैरह आई थी उनके लेवल का था, उसकी स्टोरी लाइन भी उसी लेवल की थी। वो सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बट अफसोस वो कहानी हमें आगे बढ़ती हुई कभी भी देखने को नहीं मिल पाएगी। सच में ये बहुत अफसोस की बात है, स्पेशली डीसी फैंस के लिए जो कि मैं भी हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सी नई नई चीजें देखने को मिल सकती थी। सुपरमैन से बैटमैन कैसे लड़ता है, उसका सुपरमैन और डार्क साइड के अगेंस्ट कंटेंजेंसी प्लान क्या होता है, कैसे वो उन्हें रोक पाता है, और जोकर उसमें उसकी कैसे मदद करता है, और बाद में कैसे वो किसी पॉइंट पर बैटमैन को धोखा देता है। मतलब ये चीजें, ये जो कहानी थी बिल्कुल एक नंबर थी, बट क्या ही कर सकते हैं। सो गाइज, इफ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को भी सब कर लो, क्योंकि आने वाला है कॉमिक कॉन, उसमें बहुत सारी मार्वल एंड DC दोनों की अपडेट्स आएंगी। सो नोटिफिकेशंस को ऑल पर जरूर से सेट कर लेना गाइज। बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be.